अलीगढ़ 19 वर्षीय हिंदू युवती ने लगाए गंभीर आरोप। गैर समुदाय के लोगों ने 14 दिन तक दरगाह में युवती को बंधक बनाकर रखा। युवती मौका पाकर भागी दरगाह से। हिंदू महासभा को बताई युवती ने आप बीती। गैर समुदाय के युवक के साथ जबरन कराना चाह रहे थे शादी। चाची चाचा दादी पर भी लगाया युवती ने धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। एसएसपी को दी लिखित शिकायत। आरोपियों के खिलाफ हो कठोर कार्यवाही। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के शाह जमाल दरगाह का मामला। दरअसल क्वारसी थाना क्षेत्र के पंच विहार कॉलोनी की रहने वाली 19 वर्षीय हिंदू युवती का आरोप है कि उसकी दादी दरगाह में रहती हैं। युवती को बहाने से दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के शाह जमाल में दरगाह पर बुला लिया। आरोप है कि 14 दिन तक युवती को दरगाह में बंधक बनाकर रखा गया और गैर समुदाय के युवक के साथ धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना चाहते थे। युवती ने अपने चाचा चाची और भी आरोप लगाए हैं। कहा कि चाचा चाची और दादी तीनों लोग इसमें शामिल हैं। किसी तरह युवती दरगाह से भाग कर आई और हिंदू महासभा को आप बीती बताई। युवती का आरोप है कि उसकी जबरन शादी करा रहे थे। हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडे बीजेपी के महामंत्री संजू बजाज के साथ आज एसएसपी ऑफिस पहुंची। एसएसपी को लिखित शिकायत दी गई है। साथ ही कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। बीजेपी के महामंत्री संजू बजाज ने कहा कि यह बहुत बड़ा रैकेट है, ऐसे लोगों की पुलिस जांच करे और मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही भी करे। हालांकि कैमरे के सामने आने से एसएसपी मुनिराज जी ने साफ मना कर दिया है। अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मामला था ये? किस तरीके का दबाव बनाते थे वो? सर वो जान से मारने का भी दबाव बनाते थे, बोलते थे शादी नहीं करेंगे, अगर कभी इस लड़के से शादी नहीं करेंगे या करी तो हम दोनों को मार देंगे। क्या कोई धर्म परिवर्तन की भी बात कही जाती थी आपसे? नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा, अभी एसएसपी कार्यालय आप क्यों आए? कप्तान साहब से मिलने? सर मुझे अपने पति और उनके परिवार की सेफ्टी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? पंचवार कॉलोनी क्वारसी अलीगढ़। और वो लड़का कहाँ का है? वो एक एक्टर। क्या नाम है उसका? संजू बजाज, भाजपा जिला मंत्री। संजू भैया, ये किस तरीके का मामला था, क्यों आप एसएसपी कर रहे हैं? मामला बहुत ही गंभीर है। एक हिंदू बेटी को दरगाह में बंधक बनाकर रखने का मामला है और उसे बंधक बनाकर रखकर उसे मुस्लिम लड़के से शादी करने का मामला संज्ञान में आया है। अभी कुछ दिन पूर्व, क्योंकि इनकी जो दादी है वो उस दरगाह से प्रभावित है और 4 साल से वहीं दरगाह में ही रहती हैं। अभी कुछ दिन पूर्व इनको वहां पर बंधक बनाकर जबरदस्ती रखा गया और कहा गया कि तुझे मुस्लिम लड़के से शादी करनी है। इन्होंने जब विरोध किया तो इसे बंधक बना लिया और इसे प्रताड़ित किया गया। मौका पाकर ये बेटी जो है वहां से भाग आई है और इन्होंने एक हिंदू लड़के से, जो कि इनका परिचित था पहले से ही, उससे शादी कर ली है। लड़की बालिक है और बालिक लड़की को इस तरह से बंधक बनाना कानून अपराध है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदू धर्म के खिलाफ चल रहा है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसी दरगाह के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि आखिर एक बेटी को किस ऐसे बंधक बनाकर कैसे रख सकते हैं। कप्तान साहब के पास आज हम न्याय की गुहार लगाने आए हुए हैं, बेटी भी आई हुई है साथ में, इनको लेकर अभी कप्तान साहब के पास पेश करेंगे। हम लोग यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। समाज के लिए बहुत बड़े धब्बा है ये लोग जो है, जो समाज में न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं। धार्मिक उन्माद इस तरह की घटनाओं से फैल सकता है, इसलिए धार्मिक उन्माद ना फैले, इसलिए हम लोग कप्तान साहब के पास आए हैं कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। We'll be right back.